मतलब लेवल जिसको कहेंगे तो वो आपका अगले अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि पांच छः दिन के अंदर कम्प्लीट होगा और वो आपका बारह जून से होने वाला है ठीक है बारह जून को ये पेपर होते के साथ ही आप ये मान के चलिए कि एक महीने के अंदर अंदर आप लोगों के लिए ग्रुप डी का पेपर जो है ना वो भी शुरू हो जाएगा ग्रुप डी का पेपर ठीक है तो इस पूरी सिनारियों को देखते हुए अगर मैं आपसे बोलूं तो आपके पास टू मंथ्स हैं दो महीने हैं साइंस को एक बार वापस से रिवाइज करने के लिए क्योंकि थ्योरी आप बहुत ज्यादा बहुत बार पढ़ चुके हों और बार बार थ्योरी को पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि थ्योरी आप पढ़ भी लोगे फिर भी आपको एम जो है वो करने ही पड़ेंगे ठीक है मतलब अगर आप थ्योरी पूरी पढ़ भी लोगे फिर भी एम तो करने ही पड़ेंगे ना तो ऐसा करते हैं ना कि इस क्वेश्चन के या इस सेट में से मैक्सिमम जितने क्वेश्चन एक थ्योरी के बन सकते हैं वही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी टेंशन खत्म अब मैं आपको बोलूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम रेलवे या एस के लेवल की मैं अगर बात करूँ या इनका थोड़ा सा लेवल क्रॉस भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेपर अगर डिफिकल्ट आ गया तो हम क्या करेंगे है ना तो ज्यादा मुश्किल पढ़ लें और ज्यादा पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है कम पढ़ा और कम क्वेश्चंस किए या लेवल कम किया तो दिक्कत हो जाएगी है ना तो हर एक टॉपिक के मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के रिस्पेक्ट में बन सकते हैं या आ सकते हैं वो मैं आपको इस क्लास में कराऊंगी जैसे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बता देती हूँ मैंने अभी काउंट नहीं किए हैं लेकिन क्वेश्चन की संख्या नब्बे से सौ के आसपास है अब अगर आप फटाफट पड़ से मुझे इन क्वेश्चन के आंसर दोगे तो मैं आज ही जो है वो सारे क्वेश्चन करा दूंगी लेकिन अगर आप धीरे धीरे आंसर दे रहे हो मुझे लगता है कि पचास ही हो पा रहे हैं एक घंटे में तो

कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता होगा मतलब कुछ टाइम के बाद तो काफी जो है ना वो वीक हो और केमिस्ट्री जो है ना वो आपको ही आती है पीरियॉडिक टेबल की आपकी वीडियोस जो है शॉर्ट वाली वो इसी हफ्ते से शुरू हो जाएंगी तो आपकी वैसी टेंशन खत्म हो जाएगी है ना चलिए आप करें शुरू सारे लोग तैयार हैं एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो हम तैयार हैं एमसीक्यू करने के लिए टॉपिक वाइज पहले टॉपिक के और आपका साथ में मैं आपको करंट अफेयर्स 2021 भी करा रही हूँ तो सुबह साढ़े सात बजे आ जाए करो एकदम से सुबह साढ़े सात बजे मैं आपको मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स करा रही दो 2021 का क्योंकि आपके सीबीटी टू में जो पैटर्न अभी रहा है ना वही पैटर्न आपका ग्रुप डी और आगे सीबीटी टू के पेपर में भी फॉलो किया जाएगा बस ग्रुप डी में थोड़ा सा इजी कर देंगे सीबीटी टू जो है वो आपका एज इट इज रहेगा तो कोई टेंशन नहीं होगी ठीक है और दूसरा हम आपका ना स्टैटिक जीके के टॉपिक भी कर रहे हैं तो मैंने आपको याद होगा कि बोला था कि मैं आपको 50 स्टैटिक जीके के टॉपिक जो है वो कराने लगूंगी तो यहाँ पे आपके अभी आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स की बात हो रही है इनमें से सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी सीबीटी टू में कवर किए गए हैं या सीबीटी बी वन में कवर किए गए थे तो आपको सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ के लिए आज की भी जो मैं आपकी क्लास अभी कराऊंगी पचास साठ सौ क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सब की डी आपको ओटीएस अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी तो वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और ग्रुप डी की और एस एस सी सी एच एस एल की और एन टी पी सी सी बी टी टू की शानदार से मॉक टेस्ट जो है ना वो आपके चल रहे हैं तो अब आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है ग्रुप डी का या सी एच एस एल का या फिर एन टीपीसी सीबीटी टू का तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए सीबीटी टू की अभी जो नौ और दस मई को पेपर हुआ है ना उसके बेसिस की जो टेस्ट सीरीज है वो अपडेट हो गई है आपकी वो आप ज्वाइन कर लो और साथ में कल मैं आपको नाइन्थ मई और टेंथ मई का जो पेपर हुआ था उसके जीके के सौ क्वेश्चन कराने लग रही हूँ तो इसके लिए तो आप आ जाओगे अब बोलो बहुत ही बढ़िया हो यहाँ पे अब ये चीज याद रखो कल की क्लास में एग्जैक्टली 12 बजे कल आपको आना है और 12 बजे जो है वो मैं कल आपको क्या कराने वाली हूँ जो अभी नाइन्थ और तो टेंथ मई को सीबीटी टू में एनडीपीसी ने सौ क्वेश्चन मतलब वैसे तो ज्यादा सौ क्वेश्चन ही पूछे होंगे चारों को मिला के मैं आपको मान लू की दो सौ क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे रिपीट नहीं करेंगे लेकिन जो हंड्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आगे एज इट इज रिपीट कर सकता है ग्रुप डी के भी पेपर में या सीबीटी टू के पेपर में वो मैं आपको कल करा रही हूँ तो कल आपको बारह बजे आना है आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल ही चुका है कि आपका जो सीबीटी टू है वो दो तीन पांच को है ग्रुप डी का भी उसके साथ हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के आज के क्वेश्चन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है यानी कि तीन लेवल में डिवाइड किया है लेवल नंबर वन आप मेरे साथ शुरू कर रहे हो देन आपका लेवल नंबर टू और लेवल नंबर थ्री क्वेश्चन की डिफिकल्टी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन के जो एस्पेक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे ठीक है साथ साथ फटाफट से आप जो हो सारे के सारे शेयर करो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारे साथ साइंस की फाइनल रिविजन जो है ना वो सारे बच्चे कर सके तो एक तरीके से फाइनल रिवीजन है आपको जो इसकी पीडीएफ मिलेगी ना उसमें आपका थ्योरी पार्ट भी होगा जैसे आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के 900 जितने भी क्वेश्चन है मैंने काउंट नहीं किए हैं लेकिन उसके साथ में आपको थ्योरी भी मिलेगी तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट आज ज्यादा क्वेश्चन है शुरू करें सारे के सारे शुरू सारे के सारे तैयार है क्वेश्चन करने आपको फटाफट System आपके साथ screen पे है digestive system की थोरी में आपको करा चुकी तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अगले के question करने से पहले आपको 10 to 15 minute, आ, का जो ये वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो मिल जाएगा चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन टू दिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स जटिल खाद्य पदार्थों को सरल अवशोषित करने योग्य रूपों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फटाफट भाई आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी के आंसर देने कहीं रुकना नहीं है जिस क्वेश्चन का मुझे लगेगा कि भाई आप लोग बहुत ही कंफ्यूज कर कर रहे हो रहे हो हो और वेरिएबल आंसर दे उसकी मैं थ्योरी एक्सप्लेन दूंगी पहले नंबर से शुरू करते पहले तक पहले से शुरू करते करते जब भी आप अस्सी नब्बे नंबर पर पहुंचोगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका होगा ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड तो बेस आप कर क्या रहे हो आप जटिल चीजों को खा रहे हो उनको सरल यानी कि अवशोषित करने की प्रक्रिया जो है वो उसको कर रहे हो डाइजेशन कहा जाता है आपका अवशोषित करना और चौथा प्रोसेस होता है इजेशन यानी कि जो वेस्ट मटीरियल है उसको बाहर निकालना कभी कभी चौथा प्रोसेस में ऐसी मिलेशन भी लिखा रहे है और इसको एजेशन को बना दिया जाता है फिफ्थ पॉइंट यहां पे तो पाचन लिखे यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन

यानी कि हमने इंजेक्शन किया इंजेक्शन करते समय पहले हमारी कॉमन पाइप होती है जिसको ग्रसनी या फेरिंग्स के नाम से जाना जाता है ये दो पार्ट्स में खुलती है ठीक है विंड पाइप और आपकी डाइजेस्टिव पाइप आपकी जो कवर करके रखती है ऐसी चीज जो कि खाने की जो पाइप है उसको सेपरेट करती है विंड पाइप से ताकि खाना हवा में हवा के द्वारा विंड पाइप में ना जाए और फिर लंग्स में ना चला जाए एपीग्लॉटिस करके याद रखें एपीग्लॉटिस ऐसे छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी विंड पाइप है यानी कि जो आपकी हम क्या बोलते हैं ट्रैकिया जो बोलते हैं ना उसको कवर करके रखता है ठीक है ट्रैकिया को कवर करता है यहाँ पे व्हाट इज डाइफोड टाइप ऑफ डेंटेशन जो प्रकार का है, वो क्या होता? आप डेंटिशन याद रखिए जब भी दांत में परेशानी होती है हम किसके पास जाते हैं हम जाते हैं भैया डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं किसके पास डेंटिस्ट के पास तो डाइफोडों का मतलब क्या होता है वट इज डाइफोडॉन्ट दो प्रकार के टीथ या फिर दो गम्स और टीथ मसूड़े और दांत जो दो चरण में है वो थ्री टाइप्स ऑफ टीथ या टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ किसको बोलते हैं डाइफोडॉन प्रकार जो है वो किसके लिए होता है मतलब व्हाट इज डाइफोडॉन आपको थ्योरी पार्ट पूरा डिटेल में मिलेगा तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा आपकी थ्योरी में आपकी जो थ्योरी पीडीएफ मिलेगी उसमें सारे के सारे आपके डायग्राम भी हैं आपके डायफोडॉन जो है वो क्या होता है हमारी जिंदगी में दो बार ना हमको दांत निकलते हैं एक हमारे दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ यानी कि अस्थाई दांत जो है वो बोला जाता है अस्थाई दांत अस्थाई दांत का मतलब कि भाई मिल्क टीथ जो होते हैं डेसीड टीथ इनको बोला जाता है तो ये दांत बीस जो होते हैं ना वो आते हैं और टूट जाते हैं और दूसरे तरीके के दांत होते हैं जिनको हम परमानेंट बोलते हैं तो मिल्क टीथ के बाद जो दूसरे दांत आते हैं उनको परमानेंट बोलते हैं परमानेंट जो है वो आपके स्थायी दांत होते हैं और बुढ़ापे में जाके ही टूटते हैं अनलेस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टू सेट ऑफ टीथ हो गया ऐसे करके आपका लिख ले यहाँ पे और ये दांत जो होते हैं वो इंसीजर के नाइन प्री मोलर और मोलर आपका एक दांत के ऊपर वीडियो किया हुआ है मैंने छोटा सा ना आठ दस मिनट का उसको एक बार जरूर से फॉलो कर लेना By which of the following structure? विच ऑफ attached इज अटैच टू cavity. हमारी जीप जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे गले में जो है ना वो एक स्ट्रक्चर के साथ चिपकी रहती है यहाँ पे तो आप ये मत सोचना कि जीप जो है कहते हैं ना इसकी जीप बहुत लंबी है बहुत ही चलती है ना अंदर तक नहीं जा रही है वो यहीं पे गले पे चिपकी होती है तो कभी आप यहाँ पे से जोर जोर से यूं ऐसे करोगे तो आवाज आती है ना अलग तरीके से वो इसलिए आती है क्योंकि आपका ये हिस्सा जो है वो अटैच होता है कौन सा हिस्सा भाई कौन से इससे अटैच होता है किसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम किसको बोला जाता फ्रेन्यू है फ्रेन्यूलम बोलते हैं ना फ्रेन्यूलम जो होता है वो अटैच होता है नंदिनी बहुत ही बढ़िया फ्रेन्युलम यहाँ पे आपका जो टी टंग जो होती है वो एकदम गले में जाके इस तरह इस जगह पे अटैच होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं लिंगुअल Phren के नाम से अच्छा फ्रेनुल जीव जो होती है ना उसको लिंगुअल वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है हम बोलते हैं ना लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषाई आधार पे राज्यों को डिवाइड कर दिया गया तो लिंग्विस्टिक मतलब जीव जीव मतलब क्या आपकी टंग जिसको जिससे आप बोल पाते हो आपने कभी अपना अगर टेस्ट कराया होगा दांतों वगैरह का तो आपने एक देखा होगा कि पे अगर लग जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं यही जो मेरे साथ अभी हुआ था कुछ दिन पहले तो यहाँ पेस्तीसिया लगा तो बोल नहीं पाए क्योंकि आपकी टंग जो है वो स्वेल हो जाती है तो टीथ एंड टंग जो है वो आपको बोलने में भी मदद करते हैं फ्रेनुलम हो गया इन वॉल ऑफ इज ट्रू सीक्वेंस ये मैंने आपको अभी बीच में भी कराया था एक दिन आउटर से इनर के बीच में जो आपका सीक्वेंस है वो क्या होता है तो हमारी जो आहार नाल की दीवार यानी कि भित्ती जिसे कहते हैं ना उसका बाहर से अंदर तक का जो क्रम है वो क्या होता है देखते कितने लोग याद करते हैं मेरी चीजों को तो आपका लिंगुअल से अटैच थोड़ी है लिंगुअल ऑप्शन में है लिंगुअल से अटैच थोड़ी है लिंगुअल मतलब जीव और हो गया जीव जिस से है तो बताओ जरा टीथ चेक नहीं करते मतलब शेर ऐसे हिंदी में बोल लो इसको ज्यादा अंग्रेज देखो अंग्रेज जरूर बनना है यहाँ पे लॉयन टीथ चेक नहीं करते ये ये मुहावरा हिंदी में है और हिंदी में ही अच्छा लगता है ये सुनने में बोलने में शेर जो है ना वो ब्रश करके नहीं खाता सुना है ना आपने शेर जो है ना वो कभी दांत तो अब आप भूलना नहीं है ना उसको आप सिरोसा के नाम से जानते हो हालांकि उस टाइम पे कुछ चेंजेस थे ऑप्शन आपके सबसे बाहर की सिरोसा होती है फिर लॉन्ग मसल बोली जाती है फिर सर्कुलर बोली जाती है फिर सब म्यूकोसा और लास्ट में होता है म्यूकोसा इसको एक बार मेरे साथ डायग्राम के साथ समझ लो देखो सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सिरोसा तो पहले इसके साथ देखो सिरोसा बोला फिर आपकी लॉन्ग मसल्स हो गई फिर आपकी सर्कुलर मसल हो गई पहले लंबी मसल्स फिर गोल मसल सर्कुलर हो गई सर्कुलर के बाद आपका सब म्यूकोसा हो गया यहाँ पे और सब म्यूकोसा के आखिरी में हो गया आपका म्यूकोसा ठीक है तो सिरोसा लॉन्ग मसल सर्कुलर मसल सब म्यूकोसा और म्यूकोसा तो ये एलिमेंट्री कनाल की लेयर्स की बात की जा रही अब आप यहां देखो ये म्यूकोसा की लेयर होगी सबसे अंदर वाली फिर उसके बाद सब म्यूकोसा यानी कि दूसरी वाली लेयर जो आपको ये नजर आ रही है उसके बाद यहाँ पे ये जो लेयर है वो आपकी लॉ देखो ये देखो ये आपकी लॉन्ग मसल्स है ये सर्कुलर मसल्स है और सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको आपने क्या बोल दिया सिरोसा बोल दिया क्या बोल दिया सिरोसा तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो क्या बोली जाएगी सिरोसा वे जूस इज सेक्रेटेड बाय द organ इन द एलिमेंट्री कैनाल प्लेज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड बताओ कौन सा आहार नालक में जूस रिलीज किया जाता है जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है बताओ याद रहेगा ना बहुत ही इजी है मुश्किल नहीं है सबसे पहले सिरोसा लिखना है फिर आपको लॉन्ग मसल लिखना है फिर आपको सर्कुलर मसल लिखना है ठीक है फिर आपको क्या लिखना है लॉन्ग के बाद सर्कुलर के बाद क्या लिखना है सब म्यूकोसा लिखना है और फिर लास्ट में म्यूकोसा लिखना है बस इतनी सी तो चीज है अब लर्न रहेगी ना सिरोसा लॉन्ग सर्कुलर सब म्यूकोसा म्यूकोसा अब ये बताइए एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी चीज को रिलीज किया जाता है जिससे आपके खाने में जो वसा मौजूद होती है ना वो एकदम बढ़िया पच गया बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस लिख ले यहाँ पे तो यहाँ पे बाइल जूस जो होती है ना उसका काम क्या होता है बाइल जूस जो होती है वो फैट को पचाने का काम करती है यानी कि जो आपके खाने में वसा थी उसको पचाने का डायरेक्टली काम करेगी और बाइल के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एमल्सिफिकेशन क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं एमल्सिफिकेशन जिसको पाइसीकरण का या पाइसिनिकरण का नाम दिया जाता है ठीक है दूसरा यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक जूस है तो पेनक्रियाटिक जूस में फैट के लिए जो रिलीज होता है ना ट्रिप्सिन नहीं होता ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए होता है आप लाइपेज करके याद रखिए वसा के पचाने के लिए पेनक्रियाटिक जूस का मतलब हो लाइपेस क्या हो गया लाइपेस ठीक है कॉर्डेट ये किस चीज का हिस्सा है कॉर्डेट किस चीज का हिस्सा है आपका लेफ्ट लिवर का लोब है राइट right लिवर का लोब है या फिर स्पिगेलियन लिवर है लोब है लिवर का या सब कुछ कॉर्डेट आप किसको बोलते हो लिवर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कॉर्डेट जो है वो लिवर का कौन सा हिस्सा बोला जाता है लिवर का कौन सा हिस्सा आपका कॉर्डेट के नाम से जाना जाता है दूसरा वाला हिस्सा जो उसके अपोजिट होगा उसको आप क्वाड्रेट के नाम से जानते हो एक को आप क्वारेट के नाम से जानते हो यहाँ पे तो लिगामेंट कौन सा हिस्सा हो गया बताओ बताओ कॉडेट जो है वो लिवर का कौन सा हिस्सा बोला जाता है तो आप यहाँ पे लिख लो राइट लोब ऑफ दी आ, लिवर चलो कोई कई कई चीजें हो सकता है नहीं भी याद हो आपको कॉडेट जो है वो लिवर का कौन सा हिस्सा बोला जाता है राइट लो बट ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूं देखो ये वाला कॉडेट वाला हिस्सा है ठीक है कॉडेट वाला और ये वाला जो लिवर इसको एक को आप क्वाड्रेट लोब के नाम से जानते हो एक को आप कॉडेट लोब के नाम से जानते हो तो राइट साइड का जो लिवर का हिस्सा है उसको आप कॉडेट के नाम से जानते हो ठीक है अच्छा एक चीज और ये लेफ्ट लोब है ये राइट लोब है आप लोग याद रखिएगा भी, भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है है ना यकृत का आपका जैसे किसी को किसी का लिवर खराब हो जा रहा है तो आप आराम से अपना लिवर लिवर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कर सकते हो लिवर करते समय आपका जो बॉडी है मतलब जो ट्रांसप्लांट कर रहा है मैं उसी की बात बता रही हूँ उसका आगे से पूरा कट किया जाता है इनटू अ ओपनिंग सेक्शन जैसे अगर आगे से हम देखें तो ऐसे करके एक सेक्शन ओपन किया जाता है जो लिवर के ऐसे होगा ठीक है इस लेयर को यहाँ से हटाया जाता है और पूरे लिवर का जो 40 परसेंट है वो निकाल लिया जाता है कितना 40 परसेंट तो अगर ये पूरा लिवर आपका 100 परसेंट है तो तकरीबन तकरीबन 40 परसेंट एरिया जो है वो इसका निकाल लिया जाता है अच्छा कभी भी लिवर ट्रांसप्लांटेशन में लेफ्ट साइड से लिवर जो है वो नहीं निकाला जाता है हमेशा लिवर जो है वो राइट साइड से निकाला जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड का जो लिवर है वो रीजनरेशन स्लो करता है मतलब रीजनरेट को तो कर जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से करता है और बहुत डिफिकल्टी या क्रिटिसिज्म कहते हैं ना भाई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है क्रिटिसिज्म क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है लेकिन राइट right लोब जो है वो आपका छह हफ्तों में 40 परसेंट जो है वो दोबारा कवर कर सकता है मतलब सिर्फ छह हफ्ते डॉक्टरों के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे छह हफ्ते के अंदर लिवर जो है वो वापिस से आपका फोर्टी एरिया जो है उसको रीजनरेट कर सकता है अनलेस एंड आप थोड़ी सी जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बताई है उसको आपकी यहाँ पे किया जा रहा है तो आप याद रखिएगा कि जब भी लिवर का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो राइट साइड दिया जाता है लेफ्ट साइड में बहुत सारी वेसल्स होती हैं तो उनको कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि जो गॉल ब्लेडर होता है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान में निकाल लिया जाता है तो अगर कभी भी कोई हेल्दी पर्सन भी किसी दूसरे को लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा है तो उसका जो गॉल ब्लेडर है वो निकाल लिया जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन में गॉल ब्रेडर बचता नहीं है ठीक है ये याद रखिएगा यहाँ पे कफर सेल्स ऑफ लिवर आर डिफाइंड यकृत के जो कफर सेल्स होते हैं वो होते क्या हैं? वो कनेक्टिव टिश्यू हैं फेगोसाइटिक हैं, मस्ट सेल्स हैं या फैट सेल हैं? बताइए लिवर के अंदर ना कफर सेल होते हैं एक तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कफर सेल है ना ये आपके कहाँ मौजूद होते हैं तो आप लिवर उसमें ऑप्शन होते हैं कफर सेल किस ऑर्गन का पार्ट है आपके हार्ट का पार्ट है आपका लिवर का पार्ट है आपकी इंटेस्टाइन का पार्ट है या फिर मान लीजिए स्टमक लिख देंगे स्टमक का पार्ट है किडनी का पार्ट है कुछ भी लिखा रहेगा तो सबसे पहली चीज तो आपको यही चूज करनी है कि कफर सेल जो है वो आपके लिवर का हिस्सा होता है ठीक है किसका उसका किसका हिस्सा होता है लिवर का हिस्सा होता है तो लिवर में आप याद रखिए ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक मतलब ये जो गंदे सेल होंगे या कोई ऐसा सेल है जो कि मतलब खराब सेल है तो फैगो का मतलब होता है जो खराब कोशिकाएं घूम रही है ना उनको खाना फैगो मतलब होता है टू तो ईट फेगो का मतलब क्या हो गया टू ईट साइटिक मतलब सेल तो गंदे सेल को खाना फेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटिक बोलते हैं इसको और कफर कफर सेल का नाम दिया जाता है ठीक है द फंक्शन ऑफ बाइल डैश कैन बी कॉल्ड पित्त का जो कार्य होता है उसको हम क्या बोलेंगे कैल्सीनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन या इमल्सीफिकेशन देखो आप प्लान करो ना बायोलॉजी में अगर आप ऐसे वर्ड्स को तोड़ के जानना शुरू कर दिए ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं है पैगोसाइटिक वर्ड दो पार्ट से बना हुआ है जहाँ पे पैगो शब्द का मतलब होता है टू ईट यानी कि खाना और साइटिक का मतलब होता है सेल ठीक है टू ईट दी सेल है ना और कौन से सेल जो खराब हैं तो लीवर के अंदर कई बार डेड आरबीसी घूम रही होती हैं कुछ बहुत ज्यादा ऐसी भी होती हैं या ऐसा सेल्स भी होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनको जो है तोड़ना उनको खाना अरे वाह बहुत ही अच्छी बात इमल्सिफिकेशन बोलते हैं लिवर के फंक्शन को इमल्सिफिकेशन बोला जाता है जो बाइल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है हिंदी में इसको पाइसीकरण या पाइसी नीकरण के नाम से जाना जाता है इमल्सिफिकेशन ठीक है द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बॉडी कैन बी रीडेवलप्ड और रीजनरेट मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसका पुनर्विकास या पुनर्जीवित जिसको किया जा सकता है कौन सा पार्ट है ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसको आप फिर से रीजनरेट कर सकते हो या दोबारा से 40 परसेंट तक जो है वो ग्रो कर सकते हो अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि सिर्फ 40 परसेंट ये नहीं कि भाई किसी का लिवर आपने बोला कि भाई बेटा अपना लिवर ट्रांसप्लांटेशन को दे दो हमको है ना और उसके बाद अगले ने तो आपकी मदद करने के लिए लिवर ट्रांसप्लांटेशन दे दिया अब उसका पूरा लिवर ही निकाल लिए ऐसा नहीं होता है लिवर में आपको कम से कम सिक्सटी परसेंट पार्ट जो है वो डोनर के बॉडी में छोड़ना होता है और डोनर जो है वो आपको फोर्टी परसेंट जो है वो दान में दे सकता है मतलब डोनर उठा रहे बापरे मेरा तो पूरा लिवर ही ले लिया इन्होंने ऐसे नहीं हो सकता है सिर्फ फोर्टी परसेंट मैक्सिमम होता है जो रीजनरेट कर सकता है ये नहीं कि आप पूरा लीवर निकाल लो या मैक्सिमम पार्ट निकाल लो एट्टी परसेंट निकाल लो ट्वेंटी छोड़ दो ऐसा कुछ नहीं होता है आपको पहले तो राइट right लोब जो 60 परसेंट है लेफ्ट लोब 40 परसेंट होता है आपको राइट right लोब के 60 परसेंट में से 40 परसेंट जो है ना वो आपको लेना पड़ेगा ठीक है वही निकालना पड़ेगा तो आपका 40 परसेंट याद रखेंगे अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा पूछाएगा कि पूछा जाएगा कि लिवर जो है वो किसी को ट्रांसप्लांट करना हो तो मैक्सिमम कितना लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है तो चालीस है ना चालीस करके याद रखिए फोर्टी जो है वो आपका डोनेट किया जा सकता है एंजाइम टाइलिन पाया जाता है अच्छा कोई स्टेम सेल जानना चाह रहे देखिए स्टेम सेल्स को हम स्टेम सेल्स ही बोलते हैं हिंदी में इसका कोई और अर्थ नहीं होता स्टेम सेल हमारे बॉडी के वो सेल हैं जिनसे बच्चा बनता है जिनसे एम्ब्रियो बनता है जब कोई भी फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो जिसको आप टू एन से रिप्रेजेंट करते हो और वो एम्ब्रियो बनाता है एम्ब्रियो को हम भ्रूण बोलते हैं तो जो एम्ब्रियो बन रहे हैं ना वो तीन तरीके के सेल से बनता है या लेयर से बनता है जिनको हम बोलते हैं एक्टोडम मीजोडम और एंडोडम एक्टोडम मीजोडम और एंडोडम ये तीनों ही जो सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती हैं वो आपकी भ्रूण बनाने में मदद करती हैं और ये तीनों प्रकार की सेल जो हैं वो आपकी स्टेम सेल्स बोली जाती है इनकी कैपेबिलिटी होती है कि पूरा का पूरा ऑर्गन बना के रख सकते हैं टाइलिन आपके सलाइवा में मौजूद होता है लार में मौजूद होता है और टाइलिन का काम ये होता है कि आपके खाने में अगर कोई भी वायरस और बैक्टीरिया गया है तो उसको मारने का काम करती है ठीक है टाइलिन जो है वो क्या करता है वायरस और बैक्टीरिया अगर गया है तो उसको मारने का काम करता है अलिब्रिकेंट जिसका नाम है म्यूसिन और ये सलाइवा में मौजूद होता है आप बस मुझे बता दीजिए लार में एक स्नेहक म्यूसिन जो है ना वो किस चीज का बना हुआ होता है भाई मेरे पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सुना करो आप लोग डेली आपकी जितनी भी पीडीएफ हैं जो भी क्लासेस आपकी इस चैनल के ऊपर जाएंगी वो सारी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेंगी कौन सी ऐप पे ओ अड्डा ऐप पे तो आप गूगल में ओ अड्डा ऐसे करके टाइप करो आप वहां पे उस ऐप को डाउनलोड करोगे उस ऐप आप में आपके पास YouTube की क्लासेस की पीडीएफ का एक सेगमेंट दिख रहा है वहां पे जाके ना आप सारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो ले सकते हो देखो इसके लिए टेंशन नहीं लेना सलाइवा की बात हो रही है सलाइवा जो है वो स्टार्च को पचा सकता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड हो गया तो यहाँ पे मायोसिन फॉस्फोलिपेड पॉलीसेक्राइट कुछ नहीं लिखना आप ग्लाइको प्रोटीन करके याद रखो ठीक है ग्लाइको प्रोटीन तो म्यूसिन जो है ना वो आपका किसका बना होता है ग्लाइको प्रोटीन का विच पोर्शन ऑफ द स्टमक ओपन इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन अमाशे का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है छोटी आंत में कौन सा पार्ट खुलता है बताइए एक बार अपन ने क्वेश्चन किया था तो कुछ तो कुछ गड़बड़ कर दिया था ना अब आप बता दो हमारे स्टमक का कौन सा भाग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अः आपका अः जो है वो आपका खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में कौन सा हिस्सा खुलता है हम्म आप बताओ आंसर आप बताओ अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ना तो ये मैं आपको बता दे रही हूं यहाँ से चीजें आपको ना समझ आ जाएंगी ठीक है देखो विच पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक ओपन देखो आपको क्या याद रखना है कि आपका स्टमक जो है वो किस तरीके से अरे देखो हमारा स्टमक जो है इस तरफ होता है इसी तरफ होता है ना ये लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में इधर की तरफ ना ऐसे स्टमक होता है स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे ईसो है यहाँ पे मान लो स्टमक बन गया है ना ये ईसो फेगस यहाँ स्टमक स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना ये कार्डियक की तरफ होता है यानी कि हार्ट की तरफ होता है तो हमारा हार्ट ऊपर की तरफ होता है नीचे की तरफ तो होता नहीं है ना किसी का नीचे तो नहीं है ना दिल नीचे मतलब स्टमक के आसपास तो नहीं है ना मतलब स्टमक के इस साइड में तो नहीं है ये ईसो हो गया ये आपका स्टमक हो गया यहाँ पे कहीं पे ना आपका हार्ट लोकेटेड होता है

तो ये कार्डिया हो गया बीच में आपका फंडस वाला हिस्सा हो गया और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं तो हमारे स्टमक का कौन सा हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है? तो आप पायलोरिक लिखोगे पाइलोरिक इसी क्वेश्चन में लिखा हो कि ईसोफेगस जो है वो स्टमक में खुलता है तो किस ओपनिंग से खुलता है ईसोफेगस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कार्डिक लिखोगे तो ऊपर कार्डिक होता है कार्डिया जिसको बोलते हैं बीच में फंडस होता है और नीचे पाइलोरिक होता है अब याद रखेंगे ना अब तो नहीं भूलेंगे आपका तो आप पाइलोरिक करके याद रखेंगे क्या लिखेंगे पाइलोरिक करके याद रखने वाले हैं चलिए ये अच्छा ये ना डायग्राम भी तो है ये कार्डिक हो गया यहाँ पे ये फंडस हो गया पूरा और ये पैलोरिक तो ये ये छोटी आंसे खुल रहे है ना तो ये आपका पैलोरिक है। फेगस खुल रही है वो आपकी कार्डिक में खुल रही है कार्डिक अच्छा एच सी एल इज सिक्रेटेड बाय एच सी एल जो है वो कहाँ पे सिकरेट होता है वो होता है आपका सिकरेट अमाशे के अंदर यानी कि पेट में स्टमक में एच सी सीक्रेट होने के बाद करता क्या है वो आपके जो पेप्सिनोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन और ये पेप्सिन जो है, वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है तो आइडियली आपका ये जो एच है मतलब एच है वो पेट के किस सेल से रिलीज होता है बताओ एच पेट के कौन से सेल से रिलीज होता है ऑक्सेंटिक लिख ले क्या टिक सेल तो आपका एच ये पेप्सिनोजन रिलीज होता है ये ये होता है है से से जिनको चीफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता कफर आपके जो हैं हैं होते होते ही नहीं ये तो लिवर में होते है ना विच इज रोल ऑफ स्टमक अमाशय द्वारा श्रावित जो बलगम होती है ना जो आपके पेट में बलगम रिलीज होती है उसका मेन काम क्या होता है अमाशे की परत की रक्षा करना या वसा को पचाने में जर्म्स जो फूड में आगे हैं उनको या डाइजेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीके एलिमिनेशन प्रोटीन की डाइजेशन पेट में होती है लेकिन पेप्सिन के द्वारा राइट म्यूकस का तो कोई रोल ही नहीं है डाइजेशन ऑफ फैट पेट में फैट की डाइजेशन होती ही नहीं है पेट में फैट की डाइजेशन नहीं होती तो आपका बी हट गया डी हट गया अब जर्म्स को मारने के लिए आपके पास एच ठीक है जर्म्स को मारने के लिए आपको भगवान ने एचसीएल सी दिया है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया टू प्रोटेक्ट दी लाइनिंग ऑफ दी स्टमक अगर इन केस आपको ये लगे कि भाई हमको नहीं ना समझ आ रहा क्वेश्चन तो थोड़ा एलिमिनेशन राउंड पे चले जाओ तीन आपके आराम से एलिमिनेट हो पा रहे हैं हो पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया इनर लाइनिंग ऑफ गट स्टमक एंड दिवर इज कम्पोज वाले चैप्टर से रिलेटेड है तो हमारे पेट की हमारे लिवर की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो किस चीज की बनी होती है ये वाली जो लाइनिंग है ना ये वाली तो ये किस चीज की बनी होती है बताओ स्क्वेमस की बनी होती है कॉलिमिनर की बनी होती है क्यूबाइडल की बनी होती है या कंपाउंड की बनी होती है हाँ जी अनिल आप जाए बिल्कुल टू प्रोटेक्ट दी लेयर करके याद रखिए यहाँ पे अब आप बताओ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मैंने आपको कई बार कराया है आपका जो लिवर स्टमक या गट होता है गट मतलब वैसे तो गट देखो पूरे रेस्पिरेटरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं आप बोलते हो ना गट फीलिंग तो वो गट फीलिंग क्या होती है मतलब पेट से कुछ आवाज आ रही है से मन की बात कहते हैं ना मन की बात तो बॉडी में मन होता है कहीं अच्छा बताओ आपका मन कहाँ पे होता है मेरा मन कर रहा है खाने का मेरा मन कर रहा है सोने का मेरा मन कर रहा है टीवी देखने का मेरा मन कर रहा है कुछ भी एक्स वाई जेड घूमने का मन होता है क्या आइडियली आपके बॉडी में मुझे ये बताओ मन कहीं पे प्रेजेंट होता है होता है मन प्रेजेंट कहीं पे? नहीं होता है ना आप यहाँ के लिए याद रखें सिंपल कॉलिमिनर एपिथेलियम मन कर रहा है पर मन का पता नहीं मन सब कुछ मन कराता रहता है लेकिन मन का पता नहीं है कि मन कहाँ रहता है सिक्रिटिन एंड कॉलिसोकाइनिन आर सिक्रीटेड इन ये बताइए सिक्रिटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है ये आपके कहाँ पे सिक्रीट होते हैं कहाँ पे है ठीक है कहाँ पे सिक्रीट होते हैं मन दिमाग में होता है अच्छा मन आपका दिमाग में होता है बहुत ही बढ़िया बात है अच्छा आपने अपने अपने हिसाब से कहीं कहीं पे भी होता है ब्रेन कंट्रोल करता है आपका एग्जैक्टली exactly. वो तो दिमाग के रिएक्शन है ना दिल से सोचो दिमाग से काम करो चलो सिक्रीटिन जो है वो और साइकोलोसिस्टोकाइन जो है ये कहाँ पे रिलीज करते हैं तो डिओडेनम कहाँ पे डिओडेनम डिओडेनम आपका छोटा हाथ हो गया तो यहाँ पे कभी कभी आपको ये भी लिखा रहेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन भी आता है राइट सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ सकता है क्या ये आपके ठीक है ये ऐसे करते हैं यानी कि खाने को पचाने के लिए मदद करते हैं और सिक्रीटिन तो उसमें से आपका पहला हॉर्मोन है जिसको बनाया भी गया था ठीक है सिक्रिटिन पहला हॉर्मोन है जो आपका बनाया भी गया था लिवर इज कॉल्ड रेक्टिक रेक्टिक्यूलर ग्लैंड अच्छा ये क्वेश्चन जब हमने पहले किया था ना एक बार तो ये थोड़ा सा आपका इसका आंसर गलत हो गया था इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो मैं दोबारा करा रही हूं आप ये बताइए लीवर को रेक्टिक्यूलर ग्लैंड जो है वो क्यों बोला जाता है लिवर को रेक्टिक्यूलर ग्लैंड जो है वो क्यों बोलते हैं ये हमने पहले भी किया था रेक्टिकुलर फाइबर जो है ना ये आपके एक मैश या फिर एक आपका देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे आप लोग को जो लर्न करना है ना वो लर्न करना है सी क्या लर्न करना है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सी लर्न करना है मैं वही देखना चाह रही थी कितने बच्चे इसको ना वही पहले वाला आंसर देंगे रेक्टिकुलर टिश्यू नहीं लर्न करिए आप इसमें सी लर्न करिए लॉब्यूज ब्रांचेस एंड एनस्टोम विद ईच अदर तो आपका जो लिवर होता है ना उसके अंदर आपके जो रेक्टिकुलर ग्लैंड इसलिए बोलते देखो रेक्टिक्यूलर वर्ड का मतलब होता है जालीदार एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तो यहां पे आप याद रखिए रेटिक्यूलम शब्द का मतलब क्या होता है जो जालीदार ठीक है रेटिकुलम इज आइडियली डिफाइंड एज जालीदार तो अब आपका सी ऑप्शन याद रखिएगा ये नेटवर्क बनाने के लिए लोबियल शाखाओं को एक दूसरे के साथ एनास्टोमोस जो है वो करता है तो ये याद रखिएगा ठीक है ये चीज जो है ना वो यहाँ पे नहीं लर्न करना आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इन पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो परिवर्तित हो जाता है इतने अमीनो एसिड में कितने अमीनो एसिड में मन मन किसको कहते हैं तो मन आपका ideally brain ही होता है हार्ट नहीं होता है या आप ये बोल सकते हैं कि मन जो है ना दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ दी हार्ट हार्मोन एंड योर ब्रेन तो आइडियली हर्ट uh, जो है ना वो आपका थोड़ा सा ना तरीके से सोचता है लेकिन जो आपका ब्रेन है ना वो आपका लॉजिकल पॉइंट्स पे जाता है तो इन दोनों को मिला के ना आप इसको मन ही बोलते हो मेरा मन आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इन टू हाउनो हाउ मेनी अमीनो एसिड तो 20 अमीनो एसिड आपको याद रखने हैं वेलिन ल्यूसिन लाइसिन ग्लूटामिन ग्लाइसिन ऐसे करके आपके पास ना ट्वेंटी इस तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं जो चेन में बन जाते हैं एलनिन आर्जिन एस्पार्जिन एस्पार्टिक एसिड सिस्टीन ग्लूटामिन ग्लूटामिक एसिड ग्लाइसिन आइसोल्यूसिन ल्यूसीन लाइसीन मिथोनीन फिनल एल प्रोलिन सरियन थ्रोनिन, और बैलीन. आपको पूरे बीस के नहीं करने हैं, पर दिस डायग्राम विल बी पीडीएफ। तो एक बार बस इनकी तरफ नजर उठा के देख लीजिएगा है ना ताकि इनको भी थोड़ा अच्छा लगे कि पीडीएफ में लगा है और लोगों ने हमें देखा है तो याद रखिएगा ठीक है ये पूरा पार्ट इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन फॉलोइंग ऑर्गन मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है देखिए लिवर को अगर आप सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहे हो तो लिवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है ठीक है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है हाँ जी बिल्कुल आपके जो ये बीस अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से सेवन असेंशियल होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर हर टाइम पे एंड दे रिक्वायर्ड द मोस्ट आपके कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर सल्फर जो है वो मौजूद होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे पेट अगर कोई बच्चा लिख रहा होगा ना अच्छा ये माउथ जो बच्चा लिख रहा होगा ना एक बार फिर से पूरा पार्ट रिवाइज कर लो जो बच्चे यहाँ पे माउथ लिख रहे हैं ना जस्ट रिवाइज दी आपकी डाइजेशन की जो मैंने क्लास कराई है ना उसको दोबारा से एक बार पढ़ लो जाके मुंह में ही सब पचा दोगे फिर पेट क्या करेगा मतलब पेट क्या आएगा भाई मेरे को रखा क्यों है तुमने जब सारी डाइजेशन तुम्हारा मुंह ही कर रहा है तो मेरा जरूरत क्या है तुमको भाई सिर्फ मुंह के अंदर ना आपके स्टार्च की पाचन होती है सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की और किसी भी चीज की नहीं ये मुझे पता था ना ये क्वेश्चन मैं छत्तीस दफे भी दूंगी ना तभी भी आप गलती करोगे प्रोटीन की जो पाचन होती है पेट ंग आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले स्टमक में होती है भाई इस क्वेश्चन के लिए माउथ जो है ना वो नहीं लिखना है इस क्वेश्चन में आप बिग क्रॉस टू दी माउथ माउथ नहीं लिखना है जब आपसे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा और उसमें भी देखो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा स्पेसिफिकली देख लेना कि स्टार्च लिखा हो तो माउथ जो है वो प्रेसाइस आंसर होता है राइट right. लिवर जो है वो आपका फैट को पचाना शुरू करता है लेकिन फैट फैट लिवर में जाके नहीं पचता पचता तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है ना लिवर तो सिर्फ जूस प्रोड्यूस कर रहा है तो आपका फैट का डाइजेशन जो है वो छोटे आंत में होता है प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपके स्टमक में होता है और आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन जो है वो माउथ में होता है एक बार जोर से बोलो स्टमक प्रोटीन का डाइजेशन प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक लिखो इसको ध्यान से अगर पेपर पेन भगवान की मर्जी से मतलब अगर थोड़ा सा ये क्या हो गया भाई अरे बाप रे बाप ये कहां गया भाई सारा सिस्टम कहाँ गया एक सेकेंड एक सेकेंड खुलने देते भाई इसको ये अचानक से बंद हुआ मैंने कुछ किया अच्छा रुकते हैं तब तक आप लिखो वहां पे स्टमक का डाइजेशन फैट में करके लिखो पावर पॉइंट फोल टू डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट रिपेयर नो इसमें तो आपका है भी नहीं भाई कहाँगे डाउनलोड्स